हिंदुस्तान में 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। विदेशों में अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा में इस काम की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई, वहां पे बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब 100 से भी ज्यादा साल हो गए। आज भी विदेशों के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो उस आदमी को आईएएस आईपीएस एक राजनेता की तरह एक इज्जत और रेस्पेक्टेड नजरों से देखा जाता है समाज के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता है और आप किसी के पास प्लान लेके जाते हैं और किसी को यह बताते हैं कि आपका बेटा 18 साल का हो गया, आप 16,000 रुपए का प्रोडक्ट लो और हमारे साथ ज्वाइन कराओ, तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि बेटा हम इसको गलत रास्ते पर नहीं डालेंगे, राइट? सवाल देखिए, समझो, दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री होने के बाद एक मां बाप अपने बच्चे को चपड़ासी की नौकरी लगाने के लिए अपना प्लॉट बेच देता है, अपनी भैंस बेच देता है, अपना ज्वेलरी बेच देता है, अपनी एफडी तुड़वा लेता है, लेकिन एक बच्चे को अपना करोड़पति बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए 16,000 रुपए देने के अंदर वो डरता है। आप मुझे बताइए ऐसा है या नहीं? देखिए, है तो सच बोलो, नहीं है तो भी बोलो, ऐसा है या नहीं है? अब आप समझ रहे हो, दुनिया की इतनी बढ़िया इंडस्ट्री जहां लोग कामयाब हो रहे हैं, आपने लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा, फिर एक मां बाप अपने बच्चे को चपड़ासी बनाना पसंद कर रहा है, रिश्वत देके 2,00,000 रुपए, 16,000 रुपए देके करोड़पति नहीं बनाना चाहता, कारण क्या है? इसी कारण को समझना। आज बस हिंदुस्तान में जब इस काम की शुरुआत हुई तो लोगों ने लोगों को लूटा, यह समझो, लोगों ने लोगों के साथ गलत किया। और जब लोगों के साथ ऐसा बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस या नो? मेरे भाई, यहां तो लोग छाछ के फूंके हुए हैं, क्या फूंक के पिए? दूध का तो दूर की बात है, छाछ से फूंके हुए बैठे हैं। आपको सब जगह मिलेंगे, कोई 6 महीने टाई बदलता है, कोई 10 महीने में टाई बदलता है, कोई 1 साल में टाई बदलता है, कोई 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करता है, 6 महीने रिटायरमेंट हो जाता है, फिर करता है, फिर नहीं करता, ऐसा होना। इस वजह से इंडस्ट्री बदनाम है, इस वजह से इस इंडस्ट्री को लोग मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते। मेरे दोस्त, इसी सारी समस्याओं को देखते हुए, इन्हीं वजह से और जनता के, हिंदुस्तान के इसी दुख को देखते हुए, हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ, हम सबके भाग्य विधाता, आज जिनका नाम लेते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, जिनका नाम लेते हुए प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी के रचयिता मिस्टर संजीव सर ने 9 नवंबर 2014 को एक बीड़ा उठाया कि मैं एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करूंगा जहां पे लोग अपने बच्चों को उस कंपनी में शुरुआत करवाते हुए उस काम में जब काम करवाएंगे तो मां बाप भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। और तब जाके इस कंपनी की शुरुआत हुई 9 नवंबर 2014 को। अब आप पूछो कि कैसे इसमें होगा? आपसे मुझे एक चीज बताइए, आज तक आपने आईफोन खरीदा? जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूं, खरीदा? सैमसंग खरीदा, ओप्पो खरीदा, आपने होंडा की कार खरीदी, मारुति खरीदी, आपने एलजी का टीवी खरीदा, वीडियोकॉन का एसी खरीदा? आप मुझे आज तक बताइएगा किसी दुकान वाले को गाली दी कि मेरे को लूट लिया इसने? क्योंकि वो मोबाइल आपकी जरूरत था। सब अब बात को समझना, मोबाइल आपकी जरूरत था, आपने दुकान वाले को जरूरत की चीज के पैसे दिए, और जब वो चीज आपके पास आई तो वो आपके जब फोन करने लगे तो आपके काम में आ गई। आदमी क्या चाहता है? सबसे पहले आप जिसके पास जाओ, आप उसकी जरूरत पैदा मत करो, जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हो। आज मुझे बताइए, आयुर्वेद के जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, ये हिंदुस्तान के घर घर की जरूरत है या नहीं है? हम जरूरत पैदा कर रहे हैं या पहले से ही जरूरत है? इसका मतलब जरूरत पैदा नहीं कर रहे हैं। अब जिसको घुटने की प्रॉब्लम है उसको और तो डॉग मैं बता रहा हूं कि लेना चाहिए या उसकी जरूरत है? जरूरत है। नंबर टू, मैं उसको प्रोडक्ट कौन सा दे रहा हूं जिसकी उसको जरूरत है? अब तीन नंबर पे, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट तो बेचे गए लेकिन नकली प्रोडक्ट बेचे गए। 10,000 रुपए लिया गया, 500-700 रुपए का आइटम दिया गया,
आप मुझे सीधा बताइए, मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, और मैंने आपसे 10,000 रुपए लेके आपको अमीर और करोड़पति बनाने के नाम पे आपसे पैसे लिए, और लेने के बाद मैंने वो सामान 10,000 के बदले 500 का दिया, जो ना तो आपकी जरूरत थी ना आपके काम आया, और आपने कोने में फेंक दिया। उसके बाद जब आप पैसे वाले नहीं बनते हैं तो मेरे खिलाफ नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? हमारे यहां पे क्या हुआ कि हमने लोगों को वो प्रोडक्ट दिए जो उसकी जरूरत थी, और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हुई तो उसकी कीमत वसूल हो गई। जिसको घुटने का दर्द है, डॉक्टर ने बताया कि 2,50,000 रुपए लगेंगे। अगर मेरे 2,50,000 रुपए बचा के मैंने उसके 15,000-20,000 में घुटने ठीक हो गए, तो बताइए पैसे लगवाए या पैसे बचाए? ये ऑर्थोडॉक्स उसके घर में उसकी आज से पहले जरूरत थी। मैं तो माध्यम बना AWPL के माध्यम से उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए 9 नवंबर 2014 से लेकर आज 2022-23 तक हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग का नक्शा बदला। जो लोग इससे चिढ़ते थे वो मोहब्बत करने लग गए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से बात नहीं किया करते थे, आज स्लीपेस वेलनेस के लोगों को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। और आपको काम करना है तो इस समर्पण के साथ करना कि मैं जब किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूं, सोचना बात, मैं जब किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूं, और याद रखना भगवान आपको माध्यम बना रहा है, भगवान आपको एक मौका दिया है। अगर कोई पार्क में बूढ़ा आदमी है, बेचारा 70 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा है, आपके हाथों से उसके पास में प्रोडक्ट चला गया और वो दोनों पैरों पे ठीक से चलना लग गया, मुझे बताइए दुआ देगा कि नहीं दुआ देगा? अब आप सोचो वो आदमी अगर आप हुए तो कैसा लगेगा?